हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरी वीडियो को लाइक करें। और मैं आज बनाने जा रही हूँ गुड़ के चावल, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी के बर्तन लिए हुए हैं। गुड़ के चावल बनाने के लिए हमने यहाँ पे चावल लिए हुए हैं, गुड़ लिया हुआ है और बादाम, काजू, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और देसी घी लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिया है, आप चाहे कोई भी चावल यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 1.5 कप चावल लिए हुए हैं। मैं सबसे पहले हांडी को चूल्हे के ऊपर रखूँगी। मिट्टी के बर्तन में जो भी खाना बनाते हैं काफ़ी टेस्टी और अच्छा लगता है। पहले मिट्टी के बर्तन ही यूज होते थे, अब कोई यूज़ नहीं करता, बहुत कम यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने पानी लिया हुआ है 3 कटोरी, चावल के अकॉर्डिंग मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है क्योंकि मैं चूल्हे पर बना रही हूँ। अगर गैस पर बनाती तो मैं 2.5 कटोरी ही लेती। और सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी पानी और ये गुड़ डाल देंगे और इस पानी को हम उबलने देंगे अच्छे से। गुड़ भी इसके साथ पिघल जाएगा और हम इस पानी को उबलने देंगे अच्छे से ताकि हमारा गुड़ भी इसके अंदर पिघल जाए। और तब तक हमारे पानी में उबाल आता है, चावलों को अच्छे से धो लेंगे और पानी में करके रख देंगे। और ये हम अपने पानी को देखेंगे कि हमारा पानी के अंदर गुड़ घुला है या नहीं। ये देखिए गुड़ अच्छे से घुल गया है और थोड़ा खटकने देंगे हम इसको। हांडी में वैसे काफ़ी अच्छे और जल्दी बन जाती है हांडी। हमारा पानी उबल चुका है और हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। और साथ में हम थोड़ा देसी घी डाल देंगे जिससे चावल चिपके ना। और हम इसको ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए। आप हमारी वीडियो के लिए टाइम निकालते हो उसके लिए थैंक यू। और हमारी वीडियो के लिए हमारे लिए प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बने रहते हैं। 2 से 3 मिनट हो गई है चावलों को। अब हम एक बार चेक करते हैं कि हमारे चावल कितने गले हैं। अभी हमें 2 से 3 मिनट और रखने पड़ेंगे, अच्छे से गल जाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप चाहें तो इनको तल के भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट फ्राई करके भी डाल सकते हैं। मैंने इनको फ्राई नहीं किया है, मैं इनको ऐसे ही डाल रही हूँ। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने चावल एक बार और देखेंगे। ये देखिए हमारे चावल 70% गल चुके हैं, 30% रह गए हैं। उसके लिए हमें 2 मिनट की आंच और लगानी पड़ेगी और ये फिर हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। ये देखिए हमारे चावल 70% गल चुके हैं और पानी भी हमने एकदम सही अंदाजे से डाला है जैसे कि हांडी में बनाए हैं। और अब हम इनको 2 मिनट के लिए और ढक देंगे और ये हम अपने ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल देते हैं। अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो नहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि अपना अपना टेस्ट है सभी का। ज़रूरी नहीं है कि हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट मिक्स करें। ये देखिए हमारे चावल अभी रह रहे हैं थोड़े गलने, मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट मिक्स कर दिए और हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे और इसको थोड़ी आँच हल्की सी तेज़ कर लेंगे। हमारे गुड़ के चावल बन चुके हैं, थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बनाए हैं। और अब हम इसको उतार देंगे। ये देखिए हमारे गुड़ के चावल बन गए और हम इनको कटोरी के अंदर डाल देंगे। और हमारी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें और हमें बताएं कि कैसे बने हैं। और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आप गुड़ के चावल को दही या दूध के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पे तो दूध और दही के साथ खाते हैं और आपको जो सी चीज़ पसंद हो आप उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।